हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश त्रिवेदी है, जो मैं झाइडस कंपनी में वेटरनरी सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करता हूँ। इस सेकंड एपिसोड में आज हम झाइडस कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, तो कृपया करके उसे सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द आइडियल एंटी पैरासिटिक, यानी कि एनिमल के जो पेट के अंदर रहते हैं वह पैरासाइट और एनिमल की बॉडी के बाहर रहते हैं पैरासाइट, उनके बारे में बात करेंगे। ये पैरासाइट से एनिमल को कितना नुकसानी होगी उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एनिमल के जो पेट के अंदर रहते हैं पैरासाइट, उनका नाम है थैलेजिया, ट्राइचुरिया, कोफेरिया एंड स्ट्रोंगुलॉइड्स जैसे पैरासाइट होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि एनिमल के जो अंदर के जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं, उसके कारण एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। एनिमल जो भी खाता है वो ये पैरासाइट खा जाते हैं, और इसके कारण एनिमल दुबड़ा होने कमजोरी होने के कारण एनिमल गर्मी में भी नहीं आ सकता है और बहुत सा नुकसान एनिमल को करते हैं। अभी हम बॉडी के बाहर के जैसे कि टिक्स है, लाइट माइट्स है, वार्बर फाइल्स है और टिक्स, जो कि एनिमल में स्किन डिसीज करते हैं, एनिमल का ब्लड चूसते हैं, उसके कारण एनिमल में बहुत सारी कमजोरी आ जाती है। तो ये सभी पैरासाइट एनिमल को बहुत नुकसान करते हैं, और इसके कारण झाइडस कंपनी ने एक फ़िलहाल नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत अच्छा है, जिसका नाम है ड्यूरोमैक्ट। ड्यूरोमैक्ट में ड्रग आता है ड्यूरामैक्टिन, और ये ड्यूरोमैक्ट इंजेक्शन है जो लॉन्ग एक्टिंग है, यानी कि आप इंजेक्शन आज दोगे तो उसकी इफेक्ट 2 महीने तक रहती है, यानी कि 56 दिन तक रहती है। नो रेजिस्टेंस के आज तक इस प्रोडक्ट का अभी तक लॉन्च हुआ तो अभी तक रेजिस्टेंस नहीं हुआ है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, यानी कि जो पेट के अंदर के और बॉडी के बाहर के दोनों पैरासाइट को किल करता है, हाई एफिकेसी, यानी कि ये इंजेक्शन की कार्य क्षमता बहुत अच्छी है जो दूसरे इंजेक्शन से है। और ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके कारण वो 36 प्रकार के पैरासाइट, यानी कि टिक्स हो, लाइस हो, मार्बल फाइल हो या माइट्स हो, सभी प्रकार के पैरासाइट को किल करता है, और 36 प्रकार के पैरासाइट को 56 दिन तक काम करता है। और इस इंजेक्शन से आपको बहुत से फायदे होंगे, और इसका डोज है 10 ml का, यानी कि आप उसको 50 kg बॉडी तक, 1 ml यानी कि 500 kg बॉडी तक आपको 10 ml दे सकते हो। और इसका इंजेक्शन का मेन बेनिफिट है, इसको आप इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो और सब कट यानी कि चामड़ी को खींच के भी आप दे सकते हो, और इंट्रामस्कुलर भी आप दे सकते हो। तो प्लीज़ करके इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, उसका नाम है ड्यूरोमैक्ट। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट, जिसका नाम है बेबी मिडो। बेबी मिडो जो बेबियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस में काम करता है, और इस प्रोडक्ट के मेन सिम्टम्स है बेबियोसिस के, जिसमें पेशाब एकदम यूरिन जिसको कहते हैं एकदम लाल प्रकार का आता हो, कॉफ़ी प्रकार का आता हो, और आँख में भी उसको लाल प्रकार की हो गई हो अथवा येलो प्रकार की हो गई हो, तो वो बेबियोसिस के सिम्टम्स होते हैं। उसमें टेम्परेचर भी रहता है, बुखार भी, यानी कि 102 से 105 तक रहता है बेबियोसिस एनाप्लाज्मोसिस में। उसके कारण एनिमल क्या होता है, खाना पीना छोड़ देता है, कमजोरी आ जाती है, तो आप उसे दे सकते हैं। उसका डोज है बेबियोसिस के केस में आप उसको दे सकते हैं 100 kg 1 ml, यानी कि 400 kg का हो तो उसे 4 से 5 ml दे सकते हैं, और एनाप्लाज्मोसिस में आप उसको 10 ml का डोज दे सकते हैं, और वो पैकिंग अवेलेबल में है बेबी मिडो 10 ml का। तो प्लीज़ यूज़ कीजिएगा बेबी मिडो। थैंक यू फ्रेंड्स, इन दो नए प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के बाद हम यह वीडियो यहीं पूरे करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।